इंडिया की टॉप 5 बेस्ट हिस्टोरिकल फिल्में हैं, जो कि अगर आप मूवी लवर हो तो एक बार जरूर से देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें की लीड रोल था अजय देवगन का। साथ ही में इस फिल्म में शरद कलकर भी थे, जो कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी बेस्ड है महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य पर। अजय देवगन ने इस फिल्म के अंदर काफी अच्छा काम किया था, जिसके कारण उनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। आगे बढ़े तो नंबर 4 पर है फिल्म मगधीरा। रामचरण की यह फिल्म थी, जिसको की डायरेक्ट किया था एसएस राजामौली ने। वैसे इस फिल्म को रिलीज हुए 13 से 14 साल हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म को अगर आप आज भी देखते हो तो आपको यह फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिर आगे बढ़ा तो नंबर 3 की फिल्म है बाजीराव मस्तानी, जिसको कि इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक यानी संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। वैसे इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह की एक्टिंग देखने लायक है, मतलब क्या ही उन्होंने काम किया था इस फिल्म के अंदर। साथ ही में इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस यानी दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा भी नजर आई थी। साथ ही में फिल्म के कॉस्ट्यूम, फिल्म के विजुअल्स काफी स्टैंडिंग थे। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। फिर आगे बढ़े तो नंबर 2 पर है अगेन रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत। वैसे इस फिल्म के अंदर दो मेन एक्टर थे, एक थे रणवीर सिंह और दूसरे थे शाहिद कपूर, लेकिन रणवीर सिंह ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि वो फिल्म की सारी फुटेजेस ले गए। और अगर आप रणवीर सिंह के फैन नहीं भी हो तो इस फिल्म को आप एक बार तो जरूर देखना। मतलब रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रोल में जान डाल दी थी। उस फिल्म को देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि रणवीर सिंह ही अलाउद्दीन खिलजी है, मतलब आप समझ रहे हो ना, इतना अच्छा काम किया। असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी। वही हम बता देते हैं फाइनली नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर है फिल्म बाहुबली 2। जी हां, यही वो फिल्म है जिसने की प्रभास को पैन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। भले ही अभी प्रभास की फिल्मों को उतना पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाहुबली को लोग अभी भी भूल नहीं सकते। वैसे बाहुबली ने कमाई भी काफी अच्छी की थी, फिल्म ने लगभग 1800 करोड़ कमाए थे, लेकिन फिर भी ये नंबर 2 पर ही है, क्योंकि नंबर 1 पर बैठी है दंगल। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो गाइस, ये थी इंडियन सिनेमा की कुछ बेहतरीन हिस्टोरिकल फिल्में, जो कि एक बार तो जरूर से देख लेना। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।